above the inguinal ligament. इस तरह पढ़े होंगे above the inguinal ligament. This is inguinal ligament, iliacus, psoas major, obturator internus, coccygeus, piriformis. ठीक है, पहले muscles बता रहा हूँ, दोबारा देख ले. Iliacus, psoas major, obturator internus, coccygeus and piriformis muscle. ठीक हो गया. Below the inguinal anterior thigh muscles में जोन से नजर आ रहे हैं, from lateral to medial, iliotibial tract, tensor fascia lata, vastus lateralis, rectus femoris, vastus medialis, sartorius, iliopsoas, pectineus, adductor longus, gracilis. ठीक है, फिर बता रहा हूँ, iliotibial tract, tensor fascia lata, vastus lateralis, rectus femoris, vastus medialis, sartorius, iliopsoas, pectineus, adductor longus और gracilis. ठीक है, अब हम रिमूव करते हैं जोन जोन से मसल्स अंडरनीथ हैं उसको देखेंगे. रेक्टस फेमोरस को रिमूव किया तो वास्टस इंटरमीडियस, ठीक है, और ये सारी है एडक्टर केनाल. अगर इस जगह पे लग जाए तो एडक्टर केनाल आपने उसको मेंशन करना है. एडक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलस, ये है एडक्टर मैग्नस का पार्ट आ रहा है. ठीक है, इससे नीचे ये वाला जो इतना सा सेप्टम है, एडक्टर मैग्नस, ठीक है, सेमी मेम्ब्रिनोसस, सेमी टेंडिनोसस, टेंडन ऊपर है, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रिनोसस, एडक्टर मैग्नस, ग्रेसिलस. ठीक है, अब हमने और ये है बाइसेप फेमोरस. ये बाइसेप फेमोरस का लॉन्ग हेड है और ये बाइसेप फेमोरस का शॉर्ट हेड. ठीक है, अब हमने इसको रिमूव कर दिया, सेमी मेम्ब्रिनोसस और सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रिनोसस और सेमी टेंडिनोसस. ठीक हो गया, हमने इसको रिमूव किया तो नीचे से क्या नज़र आया, सारा एडक्टर मैग्नस नज़र आया. उसी के अंदर ओपनिंग्स होती हैं जो ऑब्चुरेटर सारा पियर्स करके आई हैं पेशेंट. और ये है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस. और ये वाला क्या है, ये देख ले, वास्टस लेटरेलस. इलियोटिबियल ट्रैक किसके ऊपर रन करी, वास्टस लेटरेलस के ऊपर. तो वास्टस लेटरेलस, इलियोटिबियल ट्रैक, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस, एडक्टर मैग्नस. अगर ये सारी चीज़ें रिमूव है तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, फिर बता रहा हूँ. अच्छा जी, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड कौन कौन सा है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये है इसके ऊपर ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस नज़र नहीं आ रहा, ग्लूटियस मीडियस. उसके बाद आ गया पीरीफॉर्मिस, पीरीफॉर्मिस से नीचे है सुपीरियर गैमिलाई, ऑब्चुरेटर इंटरनस, इंफीरियर गैमिलाई, क्वाड्रेटस फेमोरस. ठीक है, ये सारा क्वाड्रेटस फेमोरस, ये नीचे वाला पार्ट भी क्वाड्रेटस फेमोरस है. ठीक है, एडक्टर मैग्नस, वास्टस लेटरेलस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस. ठीक है, थाई रीजन कंप्लीट हो गया, एंटीरियर लैटरल और पोस्टीरियर सारा कंप्लीट हो गया. अब हम आ जाते हैं लेग की मसल्स की तरफ. तो लेग के मसल्स में सबसे पहला है एंटीरियर लेग के मसल. तो दिस इज शिन, टिबियलस एंटीरियर, टिबियलस एंटीरियर के बाद एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस. ये वाला जो ब्लू वाला है ये एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का टेंडन है. तो दिस वन इज द एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और ये इसके चार टेंडन 1, 2, 3, 4, और ये एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का टेंडन जो उसके अंदर आ रहा है बिग टो के अंदर. ठीक है, अब हमने इसको रिमूव कर दिया, उसके बाद आ गया पेरोनियस ब्रेविस और ऊपर है पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस ये नीचे से जा रहा है ऊपर उस तरफ जाके लगेगा प्लांटर साइड से जाके, और पेरोनियस ब्रेविस ये इधर ही लग रहा है, पेरोनियस ब्रेविस का टेंडन है और ये पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन है. ये पेरोनियस ब्रेविस का टेंडन पेरोनियस लॉन्गस का नीचे जा रहा है. ठीक है, पेरोनियस लॉन्गस ऊपर वाला, हाँ हाँ लॉन्गस, और नीचे वाला ब्रेविस. अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर लेग के मसल्स में. तो पोस्टीरियर लेग के मसल्स में आ गए सबसे पहले गैस्ट्रोकनीमियस. ये दो हेड्स हैं गैस्ट्रोकनीमियस के. तो ये वाला लैटरल हेड है, क्यों, इसके साथ प्लांटेरिस है. तो प्लांटेरिस वाला जो है वो लैटरल हेड होता है गैस्ट्रोकनीमियस का. हमने मीडियल हेड को रिमूव किया, नीचे से नज़र आ रहा है हमारा प्लांटेरिस. ये वाला प्लांटेरिस है जिसका टेंडन नज़र आ रहा है, प्लांटेरिस. और ये वाला सारा जो है ये है सोलियस. गैस्ट्रोकनीमियस के हेड को रिमूव किया तो ये सोलियस, ये सारा सोलियस. ठीक है, और इतना ही है सिर्फ गैस्ट्रोकनीमियस, और ये सारा भी है सोलियस अगर पढ़ा जाए. इन सबको मिला के टेंडोकैल्केनियस या एक्लीस टेंडन कहते हैं. ठीक है, एक्लीस टेंडन. अगर सिर्फ इस जगह के ऊपर लगाओ तो एक्लीस टेंडन, इसके ऊपर आपने ये लगाना है. अगर इसके ऊपर लगाओ तब भी एक्लीस टेंडन. ठीक है सर, अगर रेड के ऊपर लगाओ पीछे सोलियस, हाँ तब सोलियस, ये सोलियस के ऊपर, हाँ इससे ऊपर ऊपर लगाओ तो सोलियस. ठीक है, अब हम आ जाते हैं डीप मसल्स के ऊपर. तो डीप मसल्स में ये है मीडियल साइड और ये है
लेटरल साइड. तो मीडियल साइड में सबसे पहले है ऊपर पोपलीटियस, पोपलीटियस से नीचे आएंगे तो ये है टिबियालिस पोस्टीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर से इस तरफ आएंगे तो ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और इस तरफ है फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस. ठीक है, क्लियर है. फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस लेटरली है, ये क्रॉस करके जाता है मीडियली इसका टेंडन. फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, टिबियालिस पोस्टीरियर एंड पोपलीटियस मसल, ये डीप लेग के मसल जिसके ऊपर नजर आ रहे हैं. ठीक है, वेसल्स की तरफ हम बाद में आते हैं. अच्छा, उसके बाद हम आगे फुट के ऊपर रेटिनेकुला वेसल्स नर्व्स में बाद में कवर करूँगा. अच्छा, उसके बाद है हमारे टेंडन्स और डॉर्सम और फुट के ऊपर क्या क्या नज़र आ रहा है. टेंडन्स और मसल्स हम देखते हैं. तो पहला टेंडन मैंने आपको बताया था एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का आ रहा है और रिमेनिंग जो है वो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के आ रहे हैं. ये जो फिफ्थ टेंडन है ये है पेरोनियस टर्शियस. फिफ्थ टेंडन किसका है? पेरोनियस टर्शियस का नज़र आ रहा है. उसके बाद इधर जो नज़र आ रहा है ये है पेरोनियस ब्रेविस, पेरोनियस ब्रेविस, और ये वाला जो अंदर नीच जा रहा है वो पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन आ रहा है. वो इसके नीचे होता है, वो इसका डीप होता है, वो नहीं नज़र आ रहा. अच्छा, उसके बाद है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस. तो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस ये वाला सारा इस तरफ से, ये सारा एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस का मसल है जो नीचे रेड रेड नजर आ रहा है. टेंडन्स के नीचे सारा एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है एक्सेप्ट फर्स्ट वेब स्पेस. ये वाली जो है ना, ये सारा इधर जो मसल है ये एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस है. अगर इधर लगाओ मसल्स के ऊपर तो एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस, इधर 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 कहीं भी लगाओ एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस. मसल्स को लगाओ, आपने ये डिफ्रेंशिएट करना है. क्लियर हो गया इधर. अब हम आ जाते हैं प्लांटर एस्पेक्ट के ऊपर. तो प्लांटर एस्पेक्ट के ऊपर ये है बिग टो और ये है लिटिल टो की तरफ. तो बिग टो की तरफ पे हमने इसको कैल्केनियम से फॉलो करना है. सारे फर्स्ट लेयर के मसल्स इसके ऊपर नजर आ रहे हैं. तो फर्स्ट लेयर से हमने इधर से आगे की तरफ जाएंगे, टेंडन्स को हमें डिफ्रेंशिएट अभी नहीं करना. तो कैल्केनियम, कैल्केनियम से आगे क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस ये फर्स्ट लेयर का मसल. ये है इधर से एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, ये है एबडक्टर हेलुसिस. ये वाला एबडक्टर हेलुसिस, ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई और ये एबडक्टर हेलुसिस. ये तीन मसल्स इधर तक है. ठीक है, अब हम आगे आते हैं. ये इसके सारे टेंडन्स हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस के और ये है फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का टेंडन. इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपने, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का टेंडन है. ठीक है, अच्छा उसके बाद ये आगे ये देखें, ये वाला जो टेंडन है ये इसी का है, एबडक्टर हेलुसिस का टेंडन है. इधर ही जाके लग रहा है एबडक्टर हेलुसिस का टेंडन, ये है एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई का इधर आके इंसर्ट हो रहा है, ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस और इधर से एक टेंडन आ रहा है डीप जो इधर से आ रहा है फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का टेंडन. क्लियर है इधर तक? किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो इस मॉडल के ऊपर यही चीज़ें सारी नजर आ रही है. ये जो ये क्या है, ये जो है ये वही है कि मसल है. अच्छा, ये जो है ये है फ्लेक्सर्स मसल्स, फ्लेक्सर हेलुसिस. ठीक है, फ्लेक्सर हेलुसिस, ये है फ्लेक्सर होंगे मसल्स. ये कौन से लेयर के मसल्स हैं? ये है प्लांटी. कौन सा है? क्वाड्रेटस प्लांटी, ये वो नज़र आ रहे हैं. ये वाले जो नज़र आ रहे हैं ये इसके नीचे क्वाड्रेटस प्लांटी नज़र आ रहा है. हाँ, इससे नीचे होता है ना, इससे नीचे रहे हैं क्वाड्रेटस प्लांटी के मसल्स आ रहे हैं. और ये वाला जो है ये है फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमा. ये जो छोटा सा कंपोनेंट नज़र आ रहा है फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमा, सिर्फ लेटरली जो है वो एबडक्टर, उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमा. सर क्वाड्रेटस प्लांटी यहाँ नहीं होता, वो इधर से नीचे आगे आ रहा है ना सर, वो सब उस पे एक्सेसर है. अगर इसको रिमूव करेंगे ना तो इन दोनों मिलकर आगे आ रहे हैं. क्वाड्रेटस प्लांटी किसके साथ आ रहा होता है? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस के साथ आ रहा है, तो वो इधर तक आएगा. ठीक है, लॉन्गस के टेंडन आगे चले जाएंगे, वो इधर आके लगेगा. अगर इसको रिमूव करते हैं तो नीचे क्या नजर आएगा? लुम्ब्राइकल्स नजर आएंगे. फिर उसको रिमूव करेंगे तो इंट्रोशियाई सारे नजर आएंगे. ठीक है, डॉर्सल तो इधर से नजर आ रहा है, प्लांटर इससे लॉन्गस नजर आ रहा है. फ्लेक्सर डिजिटोरम, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस नजर आ रहा है. नहीं नहीं, वो नहीं नजर आ रहा. ये फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस और इसके टेंडन नजर आ रहा है. ठीक हो गया, ये फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का टेंडन नजर आ रहा है. तो ये क्वाड्रेटस प्लांटी जो नीचे में मसल है उसका मतलब यही है कि डिजिटोरम इसी के साथ चल रहा है ना. इसको उठाएंगे तो उससे नीचे फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस चल रहा है. ठीक हो गया, क्लियर है इधर तक? चलो ये पास कर दो, बहुत है. अब हम वेसल्स की तरफ आते हैं.